आजकल रेजन आर्ट कितना ट्रेंड में चल गया है ना, लगते भी इतने खूबसूरत हैं लेकिन हर कोई परचेस नहीं कर सकता क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ इसका वीडियो शेयर करती हूँ, जब बनाना इतना आसान है तो हम क्यों ना घर पर ही ट्राई करें। तो देखिए मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया था और ये मुझे यूज़ करना आता है क्योंकि मैंने इसे पहले भी अपनी कई वीडियो में यूज़ किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और जो मैंने सामान मंगाया है ना इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसे मंगा सकते हो। बहुत ईजी, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट सामान है ना वो सब कुछ आया है, लेकिन जैसे मुझे बड़ा ग्लास चाहिए क्योंकि हम जब मिक्स करते हैं ना तो छोटे ग्लास में वो आराम से मिल नहीं पाता, तो एक बड़ा ग्लास और इस तरीके का स्पून मेज़रमेंट के लिए आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वेट मशीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरीके से स्पून मंगाया है। अब देखिए हर बॉटल में ना रेशियो लिखा होता है, ये हमें बिल्कुल परफेक्ट लेना है क्योंकि हमारा इसी की वजह से हमारा आर्ट है वो अच्छा और बेकार बनेगा। तो देखिए मेरे पास जो बॉटल है ना उसमें 2.1 का रेशियो लिखा है, तो हमें क्या करना है जो बड़ी वाली बॉटल है ना ए उसका हमें 2 स्पून लेना है और जो छोटी वाली बॉटल है मतलब बी इसकी हमें 1 स्पून लेना है। कई बॉटल्स होती हैं जिसमें 3.1 का भी रेशियो रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम मिक्स करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इनफैक्ट मैं अगर आपको टाइम बताऊं तो आप 15 मिनट इसे कंटिन्यू मिक्स करते जाइए और घड़ी से लगाकर, तभी आपका जो आप बना रहे हैं ना वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अच्छा देखिए मुझे ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना था तो मैं प्लेन और या कलर ना लेकर मैं इसमें सिर्फ इस तरीके स्पार्कल मिला दूंगी, इसी के साथ आए थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था सामान, बस इसको मिलाकर मैं 2-3 मिनट और मिक्स करूंगी और ये जो मोल्ड है ना ये हमारा एकदम साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। जब हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे ना लिक्विड को तो हमें डालने के बाद ना बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए और बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर बाहर की धूल मिट्टी इसमें आएगी ना तो वो चिपक जाएगी और उसे हटाना इम्पॉसिबल रहेगा और हमारा इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनेगा, गंदा सा दिखेगा। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखना, हमें बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं लगनी है। और 6-7 घंटे मतलब मैंने ओवरनाइट रखा था, उसके बाद ये सूख गया था और देखिए कैसा लग रहा है। बनाना बहुत इजी है, बस दोस्तों हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी होती है, हर चीज़ फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। बस इसे बनाइएगा ज़रूर, ये मैंने सैंपल के लिए बताया, आप इस तरीके के भी टी पोस्टर या कॉफ़ी कोस्टर आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।